press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आपका स्वागत है हमारे DTH ER Info YouTube चैनल में। दोस्तों ये है हमारा वीडियो कॉन का सेट ऑफ बॉक्स, इसके अंदर आ चुकी है एक प्रॉब्लम, ये हो चुका है हैंग। हम अपने टीवी को कर लेते हैं ऑन और मैं आपको दिखाता हूं कि दोस्तों ये जो है हमारा सेट ऑफ बॉक्स जो है वो बिल्कुल आकर देख रही है, ब्लिंक कर रही है लाइट दोस्तों, और ये लोगों के ऊपर आकर अटक गया है। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं। दोस्तों ये देख लें, दोस्तों ये हमने टीवी को ऑन किया है और ये हमारा जो सेट ऑफ बॉक्स है यहाँ पे आकर बिल्कुल हैंग हो गया है और लोगों पे ही अटका हुआ है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हो सकती है बेहतरीन। जिन दोस्तों के पास ये सेट ऑफ बॉक्स लगा हुआ है उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो किस तरह अपने सेट ऑफ बॉक्स को ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी कस्टमर को, अगर आप सर्विस वाले को बुलाते हैं तो वो 200 रुपये आपसे चार्ज लेगा और फिर जाकर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये दोस्तों दो तरीक़ों से ये प्रॉब्लम आती है, एक तो नेटवर्क की कमी की वजह से आपका ये या ऐसे आता है, और दूसरा दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते पावर कट लग जाए तब जाकर ये ऐसे आपका सेट ऑफ बॉक्स हैंग हो जाता है, यानी कि यही लोगों पे अटका रहता है और ना ही इसके अंदर रिमोट काम करता है। दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व अपने रिमोट से ही, चंद मिनटों के अंदर आपका सेट ऑफ बॉक्स जो है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर इसका क्या रहेगा। आप इसके अंदर जो है ग्रीन का बटन दबाएंगे अपने रिमोट से और फिर आप 0 प्रेस करेंगे और फिर 5 और फिर म्यूट कर देंगे तो आपका ये सेट ऑफ बॉक्स जो है वो ओके हो जाएगा। दोस्तों हम कर लेते हैं इस प्रोसीजर को शुरू। दोस्तों ये हमारा रिमोट है, आप ये ग्रीन और ये 5 0 प्रेस करेंगे और आप 5 प्रेस करेंगे और म्यूट कर देंगे तो आपका ये सेट ऑफ बॉक्स जो है ओके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इसके बैक साइड में भी एक छोटा सा यहाँ पे बटन दिया होता है, ये देख मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से भी आप इसको रिकवर कर सकते हो, ये बटन दिया है, यहाँ से आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हो। अगर तो यहाँ से हो जाता है बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। ये देखें दोस्तों हमारा जो सेट ऑफ बॉक्स है वो ऑफ होकर ऑन होना शुरू हो रहा है, उसके बाद देखते हैं हम क्या इसका प्रोसीजर रहता है। ये देख लें दोस्तों हमारा सेट ऑफ बॉक्स जो है रिकवर हो चुका है, मैंने आपको वीडियो के अंदर करके दिखाया, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, रब रखा। धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। इस तरह की छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी अपडेट मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर सिग्नल आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारी सेटिंग जो है डिश की वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे जो पट्टी दोनों पट्टी है ये पूरी ग्रीन आती है और यानी कि आपकी डिश जो है वो सही प्रॉपर दिशा के अंदर खड़ी है। अगर आपकी ये पट्टी नहीं आती यहाँ पे, ये जो मैं उंगली का इशारा करके दिखा रहा हूँ, तो समझ लें कि आपकी डिश जो है वो अपनी सही दिशा के अंदर नहीं है। अगर ग्रीन पट्टी आती है तो आपकी डिश बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों यहाँ हमें सिग्नल भी जो है पूरा इसका मिल रहा है, ये ग्रीन आ रहा है और ये हमारा सेट टॉप बॉक्स जो है बिल्कुल सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे दोस्तों के पास ये दिक्कत आती रहती है, जिन दोस्तों के पास D2H का ये सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है बार बार उनको ये दिक्कत आती रहती है। इसकी जो वजह मेन यही है कि डिश की प्रॉपर सेटिंग ना होना और सॉफ्टवेयर अपडेट होते पावर कट का हो जाना। ठीक है दोस्तों।